हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुटा कैरियर। और दोस्तों, स्टॉक मार्केट की सीरीज वीडियो के आज के इस वीडियो में हम जानने वाले कि ऑप्शन ट्रेडिंग में एटीएम, जिसको बोलते हैं एट द मनी, ओटीएम जिसको बोलते हैं आउट द मनी, और आईटीएम जिसको बोलते हैं इन द मनी। ऑप्शन ट्रेडिंग में ये सारे टर्म्स क्या हैं फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। एक ऑप्शन ट्रेडर को ये सारे टर्म्स जानना क्यों जरूरी होता है, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको बता दें कि किसी भी प्रकार के रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। आप कभी भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की और खुद की एनालिसिस करने के बाद ही कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी क्या है, एट द मनी की हम बात करेंगे। तो एट द मनी का मतलब क्या है, देखिए जैसे कि निफ्टी 50, ये 50 कंपनियों का इंडेक्स है। तो निफ्टी 50 अभी 16,605 रुपए पे चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या कहलाएगा, इसका एट द मनी प्राइस कहलाएगा, मतलब निफ्टी अभी जो है इस प्राइस पे चल रही है, तो इसका क्या कराएगा, एट द मनी प्राइस कहलाएगा। ये वैसे तो अभी मार्केट बंद है, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा वेरी करता है। तो जिस भी प्राइस पे आप इसको देख रहे हो उस टाइम वो उसका एट द मनी प्राइस होगा, और उसके अंदर थोड़ा मनी होगा, ठीक है। और इसके ऊपर की जो भी प्राइस होंगी, जैसे 16,605 के ऊपर, 16,650, 16,700 जो कि अभी आया नहीं है, तो क्या कहलाएगा, आउट ऑफ द मनी कहलाएगा, ओटीएम कहलाएगा इसके ऊपर का प्राइस जो भी होगा। और ओटीएम के अंदर कोई भी मनी नहीं होती है फ्रेंड्स, केवल क्या होता है, टाइम होता है। तो जैसे कि टाइम जो इंडेक्स होते हैं उनकी वीकली एक्सपायरी भी होती है और मंथली एक्सपायरी होती है। तो जितना भी टाइम मंथली एक्सपायरी से पहले का जितना भी समय होता है वो उसका टाइम का रहेगा। और आउट ऑफ द मनी की कॉल है तो उसमें केवल टाइम रहता है, मनी नहीं रहती है, ठीक है। और जिस दिन भी दिन उसकी एक्सपायरी रहेगी उस दिन वो खत्म हो जाएगा। अगर उसके अंदर प्राइस नहीं आया, मतलब वो प्राइस नहीं आया, तो उसके अंदर कोई मनी नहीं रहेगा, वो खत्म एक्सपायर कर जाएगा। उसी तरह इन द मनी क्या होगा, 16,605 के नीचे की जितनी भी कॉल होंगी, स्ट्राइक प्राइस होंगी, जो भी प्राइस होगा, जैसे 16,600 हो गया, 16,500 हो गया, 16,400 हो गया, जो भी नीचे का प्राइस होगा वो क्या कहलाएगा, आईटीएम कहलाएगा, इन द मनी। मतलब कि इसके अंदर सम टाइम के साथ साथ क्या है, मनी भी है फ्रेंड्स, मतलब इसके अंदर पैसा भी है। इसलिए हम आईटीएम की कॉल ज्यादा प्रिफर करते हैं, क्योंकि उसके अंदर प्राइस भी रहती है, पैसा भी रहता है, और वो जब भी बढ़ता है तो उसमें आपको प्राइस के साथ साथ टाइम का भी वैल्यू रहता है। तो वो आपकी स्ट्राइक प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगी तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो आईटीएम कॉल ऑलवेज हमको लेने की कोशिश करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी चलिए मैं आगे आपको दिखा देता हूँ, ऑप्शन चयन से हम समझ लेते हैं कि कैसे ये कैसे काम करता है। तो जैसे निफ्टी बैंक में भी आपको जो है 25 कंपनियों बैंकों का जो है ये इंडेक्स होता है। जैसे अभी इसकी स्ट्राइक प्राइस क्या है, 36,201 रुपये अभी करंट प्राइस चल रहा है, तो एट द मनी कहलाएगा। और इसके ऊपर का जो भी प्राइस होगा, 36,537, वो क्या कहलाएगा, आउट ऑफ द मनी। उसके अंदर क्या होगा, केवल टाइम है, मनी नहीं है। और 36,000 के नीचे की जो 200 के नीचे की जो भी प्राइस होंगी वो क्या कहलाएगा, आईटीएम कहलाएगा। उसके अंदर टाइम के साथ साथ क्या कहलाएगा, मनी भी है, तो वो इन द मनी कहलाएगा, ठीक है। अभी चलिए हम ऑप्शन चैन में आपको दिखा देते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अभी देख सकते हैं आप 16,650 पे हमारा, 605 पे हमारा निफ्टी चल रहा है। तो 16,605, 16,600, ठीक है, इस स्ट्राइक प्राइस के आसपास जो हमारी निफ्टी अभी चल रही है फ्रेंड्स। तो अभी ये जो प्राइस होता है जिस पे निफ्टी चलता है उसको हम करंट प्राइस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। तो अलग अलग 50-50 के डिफरेंस पे जो है यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस डिफाइन हो चुकी है, जैसे कि 16,600, 16,650, 16,700, तो ये हमारी स्ट्राइक प्राइस है। और इनका प्रीमियम होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे प्रीमियम खरीद के हम इसको ट्रेडिंग करते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं 16,600 रुपये का भी स्ट्राइक प्राइस एट द मनी कहलाएगा। और इसका जैसे आप देख सकते हैं कितना एलटीपी चल रहा है, 5 रुपये चल रहा है, 5 रुपये 15 पैसे, ठीक है। तो इसी तरह अब इसके ऊपर की जितनी भी स्ट्राइक प्राइस होंगी, जैसे 16,650 जो कि अभी आया नहीं है, 16,700, 16,750, ये सब क्या कहलाएगा, हमारा आउट ऑफ द मनी कहलाएगा, मतलब इसके अंदर
कोई मनी